कमिश्नर साहब जैसा वजाहत करे कि रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया है 2013-14 में आरामगढ़ चौराहे से अवेसी हॉस्पिटल जंक्शन तक 1.44 करोड़ के एस्टीमेट बने थे और उसको रोड डेवलपमेंट क्योंकि रोड वाइडनिंग का काम हुआ था उसके बाद ड्रेन रोड फुटपाथ वगैरह बनाने के लिए 1.44 करोड़ का एक एस्टीमेट बना और कहा यह गया था कि इसको मेजर ये प्रोजेक्ट है इसको जो सब अपने प्रोजेक्ट वाले अटेंड करेंगे लेकिन उसके बाद ना प्रोजेक्ट वाले अटेंड करे ना जनरल तौर पे उसको अटेंड किया गया उसके एस्टीमेट बने वहीं पेंडिंग है उसके बाद फिर आज ये कहा जा रहा है कि मेजर रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना है वो साबिका के एस्टीमेट कौन टेकअप करेंगे 3 साल का अरसा हुआ अभी तक उसका कोई काम नहीं हुआ पलट के दूसरी तरफ मेरे पास 1-2 करोड़ की मेन रोड पर जो सो बीटी रोड का सैंक्शन आया प्रोजेक्ट वाले उसको सैंक्शन दिए टेंडर करे टेंडर करने के बाद जो सो प्रोजेक्ट डिवीजन खत्म कर दिया गया उसको फिर जो सो जर्नली तौर पे एससी लेवल पे काम कराने की हिदायत दी गई अब रोड कॉरपोरेशन आने के बाद यह कहा जा रहा है कि वो रोड को जो सो हम टेकअप नहीं करेंगे ये पूरी रोड कॉरपोरेशन वाले करेंगे तो 3 साल का अरसा हो गया इतना बड़ा काम मेन रोड पे यानी इंक्रोचमेंट होते चले जा रहे हैं हम करोड़ों रुपया देकर रोड वाइडनिंग का काम करें खाली एक दूसरे पे ढकेलते हुए 3 साल से इतना बड़ा मेजर वर्क है इसको किया नहीं जा रहा है तो फिर अब हम किससे रुजू होना फिर रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जाएंगे असरे ना इसका जो सब फिर वो होगा या फिर साबिक पॉलिसी अपनाना चाहते हैं और यह काम को कैसे कौन टेकअप करेंगे जरा वजाहत करें Yeah.